श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 यथास्थिति अध्याय 2 भगवान कृष्ण का स्मरण। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम श्री कृष्ण का संदेश बताने के लिए कहा तो भगवान की स्मृति में अत्यधिक विचलित होने के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। वे बचपन में ही जब 5 वर्ष के थे तब वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इतना लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता उन्हें सुबह का नाश्ता करने के लिए बुलाती थी तो उन्हें नाश्ता नहीं करना होता था। उद्धव ने बचपन से ही भगवान कृष्ण की निरंतर सेवा की और उनकी वृद्धावस्था में भी सेवा की भावना कभी कम नहीं हुई। जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के बारे में पूछा गया, उन्हें उनके बारे में सब कुछ तुरंत याद आ गया। वे एक पल के लिए पूर्ण रूप से चुप हो गए और उनका शरीर जरा भी नहीं हिला। वे भक्ति भाव में प्रभु के चरणों के स्मरण के अमृत में पूरी तरह से डूब गए और वे उसी भाव में गहरे उतरते दिखाई देने लगे। विदुर ने ध्यान दिया कि उद्धव में परम आनंद के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं और वो अपनी आंखों से वियोग के आंसुओं को पोंछने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर समझ गए कि उद्धव ने प्रभु के प्रति अगाध प्रेम पूर्ण रूपेण ग्रहण कर लिया है। महाभागवत उद्धव तुरंत भगवान के लोक से वापस मानव स्तर पर लौटे। उन्होंने अपनी आंखें पोंछते हुए पुरानी यादों को ताजा किया और फिर विदुर से प्रसन्नचित होकर बात की। श्री उद्धव ने कहा, हे विदुर, दुनिया के सूरज भगवान कृष्ण अस्त हो चुके हैं और अब हमारे घर को समय के विशाल सांप ने निगल लिया है। अपनी खुशहाली के बारे में मैं आपसे क्या कह सकता हूँ? ये संपूर्ण ब्रह्मांड अपने सभी लोगों के साथ अत्यंत दुर्भाग्यशाली है। युद्धकुल के सदस्य तो उनसे भी अधिक दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे श्रीहरि भगवान को ईश्वर के रूप में नहीं पहचान पाए, ठीक उसी तरह जैसे मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। यदुगण अनुभवी भक्त तथा ज्ञानी थे और मनोविज्ञान का अध्ययन करने में निपुण थे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो लोग सभी तरह के विश्रामों में भगवान के साथ रहते थे, फिर भी वे उन्हें बस सर्वत्र निवास करने वाले एक ब्रह्म के रूप में ही जान पाए। भगवान की माया के वशीभूत व्यक्तियों के शब्द किसी भी परिस्थिति में उन लोगों की बुद्धि को भ्रमित नहीं कर सकते जो पूर्ण रूप से भगवान के शरण में समर्पित हैं। भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने धरती पर सबके सामने अपना शाश्वत स्वरूप प्रकट किया था, उन्होंने अपनी लीला समाप्त करके उन लोगों की दृष्टि से अपना स्वरूप हटा लिया जो वांछित तपस्या न कर पाने के कारण उन्हें वास्तविक रूप में देखने में असमर्थ थे। भगवान अपनी आंतरिक शक्ति योग माया द्वारा मृत्यु लोक में अवतरित हुए। वे अपने नित्य रूप में प्रकट हुए जो उनकी लीलाओं के लिए सर्वथा उपयुक्त है। ये लीलाएं सभी के लिए विस्मयकारी थीं, यहाँ तक कि स्वयं भगवान के वैकुंठपति स्वरूप सहित उन लोगों के लिए भी जो अपने ऐश्वर्य पर गर्व करते हैं। इस तरह उनका श्री कृष्ण का दिव्य शरीर सभी आभूषणों का आभूषण है। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित सभी देवता, चाहे वे उच्चतर मध्य या अधोलोक के हों, भगवान कृष्ण के अद्भुत शारीरिक स्वरूप को देखकर विस्मय में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से भगवान कृष्ण मनुष्यों के निर्माता ब्रह्मा की सर्वोत्कृष्ट रचना है। हंसी मजाक विनोद और नजरों के आदान प्रदान के बाद कृष्ण के चले जाने पर व्रज की बालाएं दुखी हो जाती थीं। वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती थीं। इस प्रकार वे चकित मन से बैठ जाती थीं और अपने घर के काम पूरे नहीं कर पाती थीं। भगवान अजन्मे हैं और वे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सृष्टियों के सर्वदयालु नियंत्रक हैं। लेकिन जब उनके शांत भक्तों और भौतिक गुणों वाले लोगों के बीच संघर्ष होता है तो वे उसी तरह जन्म लेते हैं जैसे अग्नि उत्पन्न होती है। जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि कैसे वे अजन्मा होते हुए भी वसुदेव की जेल में पैदा हुए थे, किस तरह पिता के संरक्षण से व्रज चले गए और वहाँ शत्रु भय से छिपकर रहते रहे, और किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी डर से मथुरा छोड़कर भाग गए, ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे दुख पहुंचाती हैं। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से अपने और बलराम के पैरों की सेवा न कर पाने के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि वे कंस के अत्यधिक भय के कारण घर से दूर रह रहे थे। उन्होंने कहा, हे माँ हे पिता, इस अक्षमता के लिए हमें क्षमा करें, भगवान का ये सारा व्यवहार मेरे दिल को दुखाता है। ऐसा कौन है जिसने एक बार भी उनके चरण कमलों की धूल को सूंघा और उसे भुला सका हो?
कृष्ण ने अपनी भौहों की पत्तियों को विस्तारित करके उन लोगों पर मृत्यु की तरह आघात किया है जो पृथ्वी पर बोझ बन गए थे। आपने स्वयं देखा है कि चेदी नरेश शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की, यद्यपि वो श्री कृष्ण से द्वेष करता था। असली योगी भी अपने विभिन्न अभ्यास द्वारा ऐसी सफलता की लालसा करते हैं जो उनके वियोग को सह सकता है। निस्संदेह कुरुक्षेत्र के युद्ध के अन्य योद्धा अर्जुन के बाणों के प्रहारों से शुद्ध हो गए थे, और जब उन्होंने कृष्ण के कमल जैसे चेहरे को देखा जो आंखों को बेहद आकर्षक लगा, तो उन्होंने भगवान के धाम को प्राप्त किया। श्री कृष्ण समस्त तीनों लोकों के स्वामी हैं और उन्होंने सभी प्रकार के सौभाग्य को प्राप्त करके अकेले ही सर्वोच्च शक्ति हासिल की है। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजे जाते हैं जो अपने करोड़ों मुकुटों से उनके चरणों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की सामग्री अर्पित करते हैं। इसलिए हे विदुर, जब हमें ये याद आता है कि वे भगवान कृष्ण राज सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होते थे और सब स्पष्टीकरण इस तरह से देते थे कि हे प्रभु, आपको विदित हो कि, तो क्या हमें उनके सेवकों को पीड़ा नहीं होती? मैं से भी बड़े दयालु कैसे हो सकता है जिसने पुतना राक्षसी को माँ का दर्जा दिया, हालांकि वो कृतघ्न थी और उसने अपने स्तनों से पिलाने के लिए घातक जहर तैयार किया था। मैं उन असुरों को जो भगवान के विरोधी हैं, उनसे भी ऊपर मानता हूँ जो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि वे सब लोग शत्रुता के भाव से भरे हुए होकर युद्ध करते समय भगवान को तारक्ष कश्यप पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे हुए और अपने हाथ में चक्रायुध लेकर देख पाते हैं। पृथ्वी पर कल्याणकारी कार्यों हेतु ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भोजराज के कारागृह में वसुदेव ने उनकी पत्नी देवकी की कोख से भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। तत्पश्चात कंस से डरते हुए उनके पिता उन्हें महाराज नंद के चरागाह में ले आए, जहां वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित एक ज्वलंत लौ की तरह 11 वर्षों तक रहे। अपने बचपन में सर्वशक्तिमान प्रभु ग्वाला बालकों और बछड़ों से घिरे रहते थे। इस प्रकार वे यमुना नदी के किनारे घने वृक्षों से आच्छादित और चहचहाते पक्षियों की ध्वनि से भरे हुए बगीचों में विचरण करते थे। जब प्रभु ने बाल्यावस्था के अनुरूप कार्य किए, तब उन्हें केवल वृंदावन के निवासी ही देख सकते थे। वे शिशु की तरह कभी रोते थे तो कभी हंसते थे, और ऐसा करते हुए वे शेर के शावक की तरह प्रतीत होते थे। हरेक दृष्टि से खूबसूरत सांडों को चराते हुए प्रभु, जो कि समस्त ऐश्वर्य और संपदा के आगार हैं, वंशी बजाया करते थे। इस प्रकार वे अपने श्रद्धालु अनुचर ग्वाल बालों को आनंदित करते थे। भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए उन जादूगरों को नियुक्त किया था जो किसी भी रूप में बदल सकते थे, परंतु अपने लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस प्रकार कोई बालक खिलौनों को तोड़ देता है। वृंदावन के निवासियों को भारी संकट ने घेर रखा था, क्योंकि यमुना नदी के एक हिस्से को सर्पों के सरदार कालिया ने विषाक्त कर दिया था। भगवान ने जल के भीतर सर्पों के राजा को दंडित किया और उन्हें दूर भगा दिया। फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गायों को पानी पिलाया और यह सिद्ध किया कि नदी का पानी फिर से अपनी प्राकृतिक स्थिति में है। भगवान कृष्ण महाराज नंद की समृद्ध आर्थिक स्थिति का उपयोग गायों की पूजा के लिए करना चाहते थे, और साथ ही वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी एक सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने पिता को विद्वान ब्राह्मणों की मदद से गायों और चरागाह की पूजा करने की सलाह दी। हे भद्र विदुर, सम्मान खोने के कारण राजा इंद्र ने वृंदावन पर लगातार मूसलाधार वर्षा की। इससे गायों की भूमि व्रज के निवासी अत्यधिक परेशान हो उठे, परंतु दयालु भगवान कृष्ण ने अपनी लीला के छत्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से बचा लिया। वर्ष के तीसरे मौसम में चांदनी से जगमगाती शरद ऋतु की एक रात में भगवान ने अपने सुंदर गीतों से स्त्रियों के समूह के मध्य में अपने आप को सबसे सुंदर बनाकर उनके साथ विहार किया।